कैफे स्टाइल हेल्दी डिलिशियस रेसिपीज। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आप लॉकडाउन में अपने फेवरेट कैफे के फेवरेट डिशेस आप घर पर बना सकते हैं आसानी से। शुरुआत करते हैं ऐसे ही पांच हेल्दी डिलिशियस रेसिपीज। तवे पर बना हुआ आटा पिज्ज़ा विद बेस, गेहूं के आटे का क्रिस्पी बेस वाला स्वादिष्ट पिज्ज़ा। तो घर पर रहकर कैसे आप एक चीट मील बनाकर उसे भी हेल्दी रख के इंजॉय कर सकते हैं, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो 1.5 कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, नमक, थोड़ी सी चीनी, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसमें 1/2 कप दही मिलाकर पहले मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। जितना हो सके आटे को इसी में गूंदने की कोशिश करें। ये मैंने पानी लिया है, पानी गुनगुना लेना है, गर्म की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसे मैं धीरे धीरे मिक्स करूँगी डो के अंदर और इस डो को आपको मसल मसल के गूंदना है। ये डो सॉफ्ट होना चाहिए, इसीलिए जितना आप इस तरह इसे मसलेंगे उतना ही ये डो फ्लफी बनेगा। मैंने इसे थोड़े थोड़े टुकड़े करके इसे अच्छी तरह नीट किया है। अब 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल मैंने ऐड किया है और फिर से इसे मैं थोड़ी देर गूंदूंगी। तो कुल मिलाकर 5 से 7 मिनट या 8 मिनट के आसपास इसे आपको नीड करना है, इसे गूंदना है। ये देखिए आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है। आमतौर पर जो गेहूं के आटे जिसके हम रोटी बनाते हैं वो इतना सॉफ्ट नहीं होता है, लेकिन दही की वजह से ये सॉफ्ट हो गया है। अब मैं 1 टीस्पून ऑयल इस पर स्प्रिंकल करके इसे रेस्ट करने दूंगी एक डैम्प क्लॉथ। 15 से 20 मिनट आपको इसको फर्मेंट होने देना है। ये राइस होगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। बहुत ही सॉफ्ट हो गया है आटा। मैं इससे एक लार्ज और एक मिनी पिज्ज़ा बनाऊंगी जो मेरे बेबी के लिए होगा। तो इसे हम रोल कर लेते हैं। रोल करने के लिए मैंने थोड़ा गेहूं का आटा और थोड़ी सी सूजी ली है, उससे थोड़ा और क्रिस्पीनेस आएगी इसके बेस के अंदर। तो इसे पहले थोड़ा सा मैं हाथ से फैलाऊंगी और फिर उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से मैं इसे रोल कर लूंगी। जो आपकी आमतौर की चपाती होती है उससे 3 से 4 गुना थिकनेस होनी चाहिए इसकी, उससे उतना मोटा होना चाहिए। ये थिन क्रस्ट पिज्ज़ा है, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए बेस, अदरवाइज कच्चा रह जाएगा। इस तरह के होल करेंगे हम ताकि जब हम इसे तवे पर डालें तो ये फूले ना और इसे अच्छी तरह अंदर से पकने में हेल्प मिले। इसे हमें मीडियम, लो टू मीडियम हीट पर इस तरह पकाना है दोनों तरफ ढककर। और देखिए कितना अच्छा बेस इसका आया है। थोड़ा प्रेस करके पकाएंगे तो ये अंदर से इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। तो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी होममेड पिज्जा सॉस। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स इस पे स्प्रेड कर दीजिए। वैसे यूजुअली मोज़रेला चीज जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है पिज्जा के ऊपर, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं नॉर्मल चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम तवे पर ऑयल स्प्रेड करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसे इस तरह रखेंगे। ऑयल डालने से ये नीचे से और ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 7 से 8 मिनट तक। हमारा चीज पूरा मेल्ट हो चुका है, अच्छी तरह पक चुका है। आप इसके साइड्स को प्रेस करके देख लीजिए कि अच्छी तरह कुक हुआ है कि नहीं। और ये देखिए हमारा यमी पिज्जा बनकर तैयार हो गया। इसका बेस कितना क्रिस्पी लग रहा है। ये हमने अवन में कुक किया तो दोनों में ही सेम रिजल्ट आया, सेम टेस्ट आया, बहुत ही मजा आया खाने में। सो अगर आप अपनी चीट मील, अपनी लव मील, अपनी ट्रीट मील लॉकडाउन में मिस कर रहे हैं, देन ट्राई दिस रेसिपी। हेल्दी है, टेस्टी है, यमी है और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस। आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। चॉकलेट आटा केक इन कुकर। सॉफ्ट स्पॉन्जी आटा केक कुकर में कैसे बनाएं? तो यही रेसिपी लेकर आई हूँ। हेल्दी केक है, आटे का केक है, बहुत आसान है बनाना, बहुत सिंपल है, बिना अवन के आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 चम्मच कोकोआ पाउडर और 1 चम्मच कॉफ़ी। मेरे पास ये एक्सप्रेसो कॉफ़ी थी जो हाफ रोस्टेड है, अरेबिका कॉफ़ी। अगर आपके पास इंस्टेंट कॉफ़ी है तो वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वार्म मिल्क है, थोड़ा सा गर्म दूध में मैंने इसे मिक्स किया है। अब 2 बोल लिए हैं, एक पे मैं आटा ले रही हूँ। 1.5 कप मैंने यहाँ पर होल व्हीट का आटा लिया है, 1 चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1/4 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर। इसे मैं सीव कर लेती हूँ, अच्छी तरह से छान लेती हूँ। और अब वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं एग्स। एग्स को यहाँ पर मैंने
सेपरेट किया है। दो यहाँ पर मैं लूंगी एग योग एंड 3 अंडों का लूंगी एग वाइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 2 अंडे आपको होल लेने हैं और 1 सिर्फ एग वाइट लेना है। मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है ऑलिव ऑयल, लाइट ऑलिव ऑयल, वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड खांड का, पिसी हुई खांड है। मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। खांड जो होता है वो लेस रिफाइंड होता है एज़ कम्पेयर टू शुगर, उसको केमिकली रिफाइन नहीं किया जाता है। इसे मैं अच्छी तरह बीट करूँगी जब तक इसका कलर लाइट ना हो जाए, ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा। और अब मैं अपना कॉफ़ी एंड कोकोआ पाउडर का मिक्सचर इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत लोगों ने एगलेस केक की भी रिक्वेस्ट की थी, वो भी जल्द आ रहा है। ये मैं कुकर केक की रेसिपी पहले लेकर आई हूँ और ये बर्थडे केक था। वी सेलिब्रेटेड आर मदर्स 70th बर्थडे ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो तभी केक मैंने बनाया था। अब मैं अपने वेट मिक्सचर में ड्राई मिक्सचर यानी जो आटे का मिक्सचर था वो ग्रेजुअली ऐड करूँगी। एक साथ बहुत सारा आटा ऐड नहीं करना है। और आप अगर अपने एग योक्स को बड़े किसी बोल में ही सेपरेट करेंगे तो आपको ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। तो मैंने ये बड़ा बोल इसलिए लिया क्योंकि ये सारा मिक्सचर मैं ऐड नहीं कर पाती उस छोटे बोल के अंदर। इस बीच हमें अपना कुकर अवन तैयार कर लेना है। सबसे पहले मैंने उसमें 1.5 कप सॉल्ट ऐड किया है। ये नॉर्मल वाइट सॉल्ट है, मैंने इसे बहुत बार यूज़ किया है इसीलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। गास्केट और विसल मैंने रिमूव कर दी है और इसे 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर, बिल्कुल लोवेस्ट हीट पर मैं प्री हीट करूँगी। मैंने अपना केक टिन भी प्रिपेयर कर लिया है, बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया है। और अब मैं अपने 3 जो एग वाइट्स थे उसे बीट करूँगी, और जब तक बीट करूँगी जब तक इस तरह की कंसिस्टेंसी ना आ जाए, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे क्लाउड्स हैं। और अब अपने इस मिक्सचर को मैं अपने केक के बैटर में कट एंड फोल्ड के मेथड से ऐड करूँगी। यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस चाहिए, डू नॉट ओवर मिक्स, बहुत ही धीरे धीरे आपको इस तरह मिक्स करना है। अगर आप ओवर मिक्स करेंगे तो ये जो फ्रॉथ है, ये जो झाग है वो चले जाएंगे और आपका केक सॉफ्ट स्पॉन्जी नहीं बनेगा। एग वाइट के मिक्सचर को बिल्कुल एंड में, अगर आप एग वाइट के मिक्सचर को पहले ही डाल देंगे, बिल्कुल जब अपने केक को आप अवन में रखने वाले हो तभी एग वाइट के मिक्सचर को ऐड करना है। तो मैंने केयरफुली बड़े ध्यान से अपना केक जो था वो प्लेस कर दिया है कुकर में, और ये 30 मिनट्स के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। साइड से हो चुका है लेकिन सेंटर से देखें तो हल्का सा बचा हुआ है। तो इस केक को एक्चुअली बेक होने में 40 टू 45 मिनट्स लगे। आई थिंक 42 मिनट्स में ही मैंने इसे बंद कर दिया था गैस को। तो आपको चेक करना है, आप 30 टू 35 मिनट्स के बाद इस केक को चेक करने लग जाइए, हर 5 मिनट के इंटरवल्स के बाद, एंड देन आपका केक जो है वो परफेक्ट बनेगा। जब हल्का सा वार्म हो तभी आपने केक को आप टिन से निकाल दिया, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो चांसेस आर कि वो हल्के से बेस में सॉगी होने लगे, दैट विल नॉट टेस्ट गुड। सो देखिए हमारा केक कितना फ्लफी, कितना सॉफ्ट बना है, जस्ट लुक एट दिस। जितने आप इसके अंदर देख रहे हैं ये होल्स हैं, मतलब ये उतना ही स्पॉन्जी बना है, बहुत ही मॉइस्चर था। देखिए कैसे बाउंस बैक हो रहा है, जब मैं इसे प्रेस करती हूँ तो ऊपर की तरफ बाउंस हो रहा है। तो कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए, कॉफ़ी आप इसके अंदर यूज़ कीजिए, क्रिस्पी पीनट कुकीज़, कुरकुरी पीनट बटर की ये कुकीज़ बहुत ही हेल्दी है। इसमें कोई फ्लावर यानी किसी भी तरह का कोई भी आटा हमने नहीं डाला है, स्टिल दे आर यमी डिलिशियस और आपकी वेट लॉस जर्नी में ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप 100% प्योर क्रंची पीनट बटर। 100% प्योर लेना है, मार्केट में जो पीनट बटर आते हैं उसमें मीठा मिला होता है, बहुत सारे एडिटिव्स, तो मेक श्योर इट्स प्योर। डेसिकेटेड कोकोनट ऑप्शनल है, आप ड्राई कोकोनट भी यूज कर सकते हैं। जैगरी पाउडर 1/3 कप, आप चाहें तो स्टीविया यूज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप कीटो कुकीज बना रहे हैं। सिनेमन ऑप्शनल है, थोड़ा सा लिया है मैंने। और 1 एग, अगर आप एग नहीं लेते हैं तो चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड के 2 टेबलस्पून पानी को वार्म वाटर में आप सोक करके रखें, जब उसकी कंसिस्टेंसी जेली हो जाए
तब आप उसे यहाँ यूज कर सकते हैं। वो एगलेस वर्जन होगा इसका, मैं वो भी रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन अगर आप उससे पहले बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह उसे बना सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बेसिकली 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स को यूज करके हमने कुकीज बनाई हैं, तो बहुत ही आसान है। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे, एक्चुअली मेरा पीनट बटर जो था वो बॉटम वाला था तो काफी हार्ड था, वैसे जो प्योर आता है उसमें ऑयल सेपरेशन हो जाता है, तो मेक श्योर कि आप ऑयल को हटा कर लें जो पीनट बटर लें, और अगर नीचे का लिया है तो इस तरह का सॉलिड होगा, उसे मिक्स करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ये एक डो की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। जब ये इस तरह टाइट हो जाए कि हिलाने में दिक्कत हो रही है, तब ये रेडी हो गया है। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है जिसे मैं अपने हाथों को गीला करूंगी ताकि ये डो मेरे हाथ में स्टिक ना हो। इस तरह छोटी छोटी इसकी बॉल बनाएंगे और प्रेस करेंगे इसे। बहुत ज़्यादा मोटा भी इसे नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो इस तरह से हम अपनी सारी जो कुकीज़ हैं बना लेंगे। मैं इसे बेक करूंगी, लेकिन आप इसे कुकर में या फिर इडली स्टैंड के अंदर नीचे सॉल्ट या फिर रेत रख के बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। 140 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट मैंने इसे बेक किया इन अ प्री हीटेड अवन। अगर आपका अवन नया है तो थोड़ा टेम्परेचर आप कम कर सकते हैं। मेरा ये बहुत पुराना है, एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड है ये अवन, सो इन दैट केस थोड़ा आप और कम रख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि बर्न हो जाएंगी कुकीज़ और अंदर से चूई रहेंगी। तो अगर आप चाहते हैं आपकी कुकीज़ क्रिस्पी हो तो थोड़े कम टेम्परेचर पे हम इसे बेक करेंगे, और वही आपको गैस पे करना है। अगर आप इसे कुकर में बना रहे हैं बिल्कुल सिम पे आपको रख के इन्हें करना है। हमारी जो कुकीज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई, बहुत टेस्टी हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। इसे बेक होने के बाद हमें रैक पर रखकर पूरी तरह ठंडा करना है। ठंडा किए बगैर आप इसे नहीं स्टोर करेंगे। जब हम इसे अवन से निकालेंगे ये हल्की से आपको लगेगी कि कम क्रंची है, थोड़ी सॉगी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे ये कूल डाउन होगी बिल्कुल क्रंची हो जाएगी। तो इसकी टेक्स्ट रेसिपी आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं जल्द ही अपडेट कर दूँ। हेल्दी टमेटो एंड पीनट क्रीमी वीगन पास्ता। तो एक हेल्दी डिलिशियस टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक अनियन यानी एक प्याज, गार्लिक, पोटैटो, थोड़ी मूंगफली, टमेटोज, आप 2 या 3 टमेटोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन में ऑलिव ऑयल लिया है, उसमें हम अपने गार्लिक्स को ऐड कर देंगे। जब थोड़े से वो ब्राउन होने लगे तो अनियंस जब कुक हो जाए तो हम टमेटोज को डालेंगे, और अब धीमी आंच पे हमें ढककर टमेटोज को कुक करना है। और देखिए साथ ही मैं अपनी पीनट्स को भी रोस्ट कर रही हूँ। पीनट्स की स्किन निकाल के अब मैं उन्हें ग्राइंड करूंगी। पहले ड्राई ग्राइंड करना है ताकि ये पाउडर बन जाए, और फिर इसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसका मिल्क तैयार करूंगी। ये हो गया हमारा पीनट मिल्क। मैं इसे निकाल लेती हूँ, और अब हम अपने अनियन टमेटोज के मिक्सचर को बॉइल्ड पोटैटो के साथ ग्राइंड करेंगे, उसका एक पेस्ट बनाएंगे। ये हमारा पास्ता का सॉस प्रिपेयर हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा थिक क्रीमी सॉस तैयार होगा, ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा थिक है। आप इसमें पानी डाल के एक और बार इसे ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सीजनिंग ऐड कर दी है। अब हम सेम कढ़ाई में अपने इस सॉस को निकाल देंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे क्योंकि थिक था काफ़ी ज़्यादा, और फिर पीनट का मिल्क जो हमने प्रिपेयर किया था। आमतौर पर जो पास्ता बनते हैं उसमें डेरी मिल्क ऐड होता है जो हम घर पे बनाते हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी अनहेल्दी। जब हम मिल्क को ऐड करते हैं सॉल्ट के साथ तो वो हमारी बॉडी में जाके कर्डल नहीं होता है, विच इज़ वेरी डेंजरस और स्लो पॉइजन का काम करता है वो। धीरे धीरे करके अगर हम ज़्यादा इस तरह की रेसिपीज ट्राई करते हैं, खाते हैं, तो वो काफ़ी अनहेल्दी होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इवन हमारी स्किन के लिए। पास्ता को हमें कुक करना है 10 से 11 मिनट, उसके अंदर ही हो जाता है। आप बीच में चेक भी कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्ट और सीजनिंग ऐड कर दी। हम यहाँ अलग अलग स्टेजेस पे सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। पहले हमने ऐड किया था हमारे टमेटो एंड अनियन को जब हमने कुक किया था, बिकॉज सॉल्ट हेल्प करता है जल्दी कुक करने में। और फिर उसके बाद पास्ता में भी हमने ऐड किया था जब बॉयल किया था। यहाँ पर हमने अपना बॉयल पास्ता ऐड कर दिया है। इसे सर्व कीजिए थोड़ा सा वार्म। 2 से 3 लोगों के लिए ये सर्विंग है। मैंने इसे गार्निश कर दिया है फ्रेश बेजिल लीव्स के साथ, थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं और थोड़ी सी ड्राई हर्ब्स की सीजनिंग। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इसके पिक्चर्स लेके मेरे साथ अपना फीडबैक और फोटोज इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। नो ईस्ट, नो एग्स, नो ओवन, होममेड आटा एंड मिल्क ब्रेड। हेल्दी है, साथ ही बहुत आसान है बनाने की। कोई डो नहीं बनाना आपको इसके लिए। यस, एक बैटर बनाना है थिक, जिसको शुरू करते हैं बनाना। आधा कप मैंने लिया है ओट्स, आप होल या क्विक ले सकते हैं। वार्म मिल्क मैंने ऐड कर दिया है और 1 कप दही, तो दोनों 1-1 कप ऐड किया है। इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। साथ ही 1/4 कप मैंने लाइट ऑलिव ऑयल लिया है, ताकि इसमें कम फ्लेवर होता है तो इसका ज़्यादा फ्लेवर ना आए ब्रेड के अंदर। इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और अब 1 टीस्पून मैंने जैगरी पाउडर ऐड किया है। आमतौर पर रिएक्ट करने के लिए जो भी हम इसमें डालेंगे रेजिंग एजेंट, शुगर का इस्तेमाल होता है, पर मैंने यहाँ पर जैगरी का इस्तेमाल किया है। आई थिंक दैट विल वर्क रियली वेल। तो इसे मिक्स करने के बाद हम अपना आटा प्रिपेयर करेंगे। 2 1/4 कप मैंने होल व्हीट आटा लिया है, गेहूं का आटा है ये। साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक। मैं हमेशा कहती हूँ कि दूध के साथ नमक ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने वार्म मिल्क के साथ दही ऐड किया तो वो कर्डल होकर नॉर्मल हो गया, तो हम ऐड कर सकते हैं। अब अपने इंग्रीडियंट्स को हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हम अपना ब्रेड का टिन प्रिपेयर कर लेते हैं। इसी बीच जो हमने ओट्स को सोक किया है वार्म मिल्क में, वो सॉफ्ट हो जाएंगे और वो हार्ड नहीं रहेंगे। साथ ही मैंने अपनी कढ़ाई को भी प्रीहीट कर लिया है, 10 मिनट लगेगा। ये हमने प्रीहीट मीडियम हीट पे रखा है कढ़ाई को, और ये सॉल्ट है उसके अंदर। मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ बेकिंग के लिए इसे, इसीलिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो 1/4 या आपको 1.5 कप चाहिए सॉल्ट। वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अब हम मिक्स कर रहे हैं, और अच्छी तरह मिक्स करना है। कोई भी इसके अंदर ड्राई पार्ट नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाना चाहिए। सो इट विल टेक सम टाइम, और बहुत ज़्यादा स्टिकी डो होगा ये। ये जब मिक्स हो जाएगा, अब हमें लास्ट प्रोसेस क्या करना है, 1 टीस्पून इनो लेना है, बिकॉज हम इसके अंदर कोई भी एग नहीं डाल रहे, ईस्ट नहीं डाल रहे, स्टार्टर नहीं डाल रहे। तो रेजिंग एजेंट के लिए हम इसके अंदर इनो डालेंगे एंड में, और ये प्रोसेस बहुत जल्दी करना है। अगर आप अवन में बना रहे हैं तो प्री हीट करके रखें अपना अवन, क्योंकि अब हमने वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया है, साथ ही इनो डाल दिया है। तो ये प्रोसेस इसके बाद जो होगा इसके अंदर, वो हम चाहते हैं कि अवन के अंदर हो। अगर वो बाहर होना शुरू हो जाएगा तो इतनी अच्छी ब्रेड नहीं बनेगी। सो इसे सॉफ्ट हैंड से आपको मिक्स करना है। और यहाँ पर मैं एक टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो मैंने शूट नहीं की, लेकिन मैंने इसके 2 बैचेस बनाए थे, एक अवन में और एक माइक्रोवेव में। तो ये कढ़ाई वाला वर्जन मैं आपको दिखा रही हूँ। जब आप इस तरह इसको प्रेस करें, क्योंकि मेरा जो स्पैचुला था वो बहुत स्टिकी हो रहा था, अच्छी तरह प्रेस नहीं हुआ था। आप एक चम्मच लीजिए, उसे ऑयल में डिप कीजिए और बहुत अच्छी तरह इसे प्रेस कीजिए। अगर आप देखेंगे एंड में मेरी ब्रेड में साइड्स में थोड़े से कट्स हैं, और वो ब्रेकेज हो गया है, वो इसीलिए क्योंकि वो अच्छी तरह प्रेस नहीं हुआ था। तो एक स्पून की मदद से ऑयल लगाकर ग्रीस करके उसे प्रेस कीजिए। साथ ही मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे कुछ ओट्स एंड सेसमे सीड्स यानी तिल। तो मैं आपको अवन में दिखा रही हूँ 180°C, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रख दिया है। कढ़ाई जो थी मेरी चौड़ी काफ़ी थी, लेकिन उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ये एकदम ढक्कन से टच हो गया था। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा और स्पेस होता तो ये और ज़्यादा फूल सकता था। देखिए कितना सॉफ्ट है, हाथ लगाने से कितनी अच्छी तरह ऊपर आ रहा है। और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इसको डीमोल्ड करने से पहले।
तो जो हल्के से कट्स है वो नहीं आएंगे अगर आप उसे अच्छी तरह प्रेस करेंगे। एंड ये जो आप होल्स देख रहे हैं ये साइन है कि अंदर फर्मेंटेशन बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी तरह काम की, जो भी हमने इसके अंदर चीज़ें डाली थी, चाहे वो बेकिंग सोडा हो, बेकिंग पाउडर हो, दही हो, या फिर इनो जो हमने एंड में डाला था। और ये देखिए स्पॉन्जी ब्रेड है। एक और चीज़, जो होल वीट की ब्रेड होती है वो थोड़ी सी डेंस होती है, क्योंकि घर में हमने यहाँ पर होल वीट यूज़ किया है। मार्केट में जो भी आटा ब्रेड होती है उसके अंदर कुछ प्रपोर्शन में मैदा यूज़ होता है, इसीलिए वो वैसी रहती है। और कई जगह तो सिर्फ कलर यूज़ होता है और पूरा का पूरा मैदे से बनती है ब्रेड। सो घर की ब्रेड है, हेल्दी, आप इसे एज अ टोस्ट खा सकते हैं, हनी के साथ, पीनट बटर के साथ सैंडविच बना सकते हैं। सो आई होप यू enjoyed watching this video। अगर आप इनमें से कोई भी रेसिपीज ट्राई करते हैं तो हमारे साथ हमारे इंस्टा पेज पर अपनी फीडबैक, फोटोज एंड एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एट होम एंड स्टे हैप्पी। आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।